वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. ओके नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 के भाषा की बात. क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने कर लिए होंगे. अब हम आज करते हैं भाषा की बात. तो भाषा की बात में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये का है 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं. ये क्या है, एक सेंटेंस है कि 4 महीने के होते होते किस चीज़ के लिए कहा गया था ये नष्ट हो जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं. अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए. इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं. होते होते से क्या मतलब है इस यहाँ पर, कि 4 महीने के होते यानी कि 4 महीने से पहले ही ये नष्ट हो जाते हैं. इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो. तो ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाने हैं. अभी मैं आपको बाद में इनके सेंटेंसेस समझाऊंगी. पहले नीचे वाला और देख लेते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है कि जैसे सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं. इसमें लिखा है सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं ना, सड़क के किनारे में पेड़ लगे होते हैं. तो किनारे किनारे यानी प्रत्येक किनारे में, हर जगह पर पेड़ लगे हैं, हर एक किनारे पर. तो आज दूर दूर तक वर्षा होगी. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है कि दूर दूर तक वर्षा होगी, मतलब बहुत दूर तक वर्षा होगी. तो इन वाक्यों में होते होते, किनारे किनारे या दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, यानी कि शब्द पर जोर डाला गया है उस वाक्य में. पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है, पर वाक्य में अर्थ भिन्न भिन्न है. किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक. दूर दूर तक वर्षा होगी मतलब बहुत दूर तक वर्षा होगी. किनारे किनारे पेड़ लगे हैं यानी कि प्रत्येक किनारों पे ही पेड़ लगे हैं एकदम. तो इनमें अर्थ भिन्न भिन्न आ रहा है ना. तो अब ये ऊपर वाले वर्ड्स लेते हैं और इनके सेंटेंसेस बनाने सीखते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस मैं दिखा रही हूँ वहीं आप लोग लिखें, आप लोग अपनी ओर से भी सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं. अब है आप भी निम्न शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए. जैसे ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या, ये भी शब्द आ रहे हैं. इन शब्दों के भी आपको वाक्य प्रयोग कर रहे हैं. तो चलिए पहले हम ये ऊपर वाले जो थे इनके वाक्य प्रयोग करते हैं, बनते बनते, पहुंचते पहुंचते, लेते लेते और करते करते. ठीक, मेरी नौकरी की बात बनते बनते बिगड़ गई. कहते हैं बनते बनते यानी कि काम होते होते वह रह गया. तो नौकरी की बात बनते बनते बिगड़ गई. इसी तरह से और सेंटेंस क्या बना सकते हैं, जैसे कि मेरी शादी की बात बनते बनते रह गई, यानी कि मेरी की शादी की बात पक्की होते होते रह गई. तो बात बनते बनते रह गई. आगे प्लेटफॉर्म में समय पर पहुंचते पहुंचते भी हमारी गाड़ी छूट गई. जैसे नेक्स्ट है था पहुंचते पहुंचते, तो उसके लिए कहते हैं प्लेटफॉर्म में समय पर पहुंचते पहुंचते भी हमारी गाड़ी छूट गई. या कहते हैं ना मुझे घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, ऐसा भी बन सकता है ना, मुझे घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, या मुझे घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई. तो आप कुछ भी बना सकते हैं. ओके नेक्स्ट है मेरे लेते लेते भी सामान रह गया, यानी कि वो सामान मैं ले रहा था, लेते लेते भी सामान रह गया. ऐसे ही आप कह सकते हैं कि मेरे दवाई लेते ले मैं दवाई लेते लेते परेशान हो गया हूँ. ऐसा कह सकते ना कि दवाई लेते लेते यानी कि रोज़ ले रहा हूँ, इतनी दवाई ले रहा हूँ फिर मैं परेशान हो गया, मैं दवाई लेते लेते परेशान हो गया हूँ. आगे करते करते भी कार्य समय पर नहीं हो पाया. जैसे कि वर्ड क्या है करते करते, करते करते यानी कि बार बार करते करते, दिन भर कर रहा हूँ मैं, बार बार कर रहा हूँ, ज़्यादा काम कर रहा हूँ, फिर भी काम जो है समय पर नहीं हो पाया. तो करते करते शब्द पर जोर दिया गया है कि करते करते यानी बार बार करते करते भी. ऐसे ही कह सकते हैं काम करते करते मैं थक गया हूँ, करते करते काम समय पर नहीं हो पाया. आगे खा है जैसे इसमें ठीक ठीक, इसमें किस पर जोर दिया गया, ठीक ठीक यानी ठीक से, ठीक ठीक समय बताइए क्या वक्त हुआ है. कहते हैं कि ठीक ठीक समय बताइए यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट समय बताइए.
ठीक ठीक काम करो इसी कहा जाता है, ठीक ठीक काम करो यानी कि बिल्कुल सही काम करो। ऐसे ही ठीक ठीक जगह बताइए कि वह कहाँ पर है, यानी कि किसी का अगर हम एड्रेस पूछ रहे हैं तो हम कहते हैं ना ठीक ठीक जगह बताइए, यानी एकदम सही जगह बताइए। नेक्स्ट है घड़ी घड़ी या हर घड़ी में, तुम घड़ी घड़ी मुझसे पूछते हो। और ऐसे ही घड़ी घड़ी का क्या कह सकते हैं हम, जैसे तुम घड़ी घड़ी मुझे परेशान करते हो। घड़ी घड़ी यानी हर घड़ी में, हर समय, घड़ी से मतलब है हर समय, समय से मतलब है। तुम घड़ी घड़ी मुझसे पूछते हो यानी बार बार मुझसे पूछते हो, हर समय मुझसे पूछते हो। घड़ी घड़ी मुझे परेशान करते हो, या घड़ी घड़ी तो ही मम्मी, आपकी मम्मी आपसे कहती हैं जैसे कि घड़ी घड़ी फ़ोन पर गेम खेलते रहते हो। घड़ी घड़ी यानी हर समय तुम फोन पर गेम खेलते रहते हो। आगे जैसे है वर्ल्ड की कहीं कहीं पर, इस जगह पर कहीं कहीं ही पानी मिलता है। कहीं कहीं पर यानी कि बहुत कम जगह, कहीं पर बहुत कम जगह, किसी किसी जगह, इस जगह पर कहीं कहीं ही पानी मिलता है। ऐसे ही और आप बना सकते हैं सेंटेंस, कहीं कहीं बारिश हो रही है, बहुत किसी किसी जगह बारिश हो रही है, तो हम कहते हैं ना कहीं कहीं बारिश हो रही है, या कहीं कहीं धूप निकल रही है, ऐसा भी बोलते हैं। या कहीं कहीं पर मिट्टी है, अगर घर पर आपने सफाई की और किसी किसी जगह मिट्टी रह गई तो आपकी मम्मी आपसे क्या कहेंगी, कहीं कहीं पर मिट्टी रह गई है। ऐसे ही सोच सोच के सेंटेंस बनाने हैं आपको। नेक्स्ट है घर घर, घर घर यानी हर घर में, प्रत्येक घर में। जब हम प्रत्येक घर की कोई बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, घर घर। जैसे सेंटेंस, घर घर जाकर हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाओ। घर घर जाकर हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाओ यानी प्रत्येक घर में जाकर, प्रत्येक घर में जाकर हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाओ। अब इसका और सेंटेंस सोचिए, जैसे घर घर सफाई की व्यवस्था कराओ, यानी कि प्रत्येक घर में सफाई की व्यवस्था कराओ, या घर घर बिजली पानी की व्यवस्था कराओ, ऐसा भी कह सकते हैं हम। क्या क्या और क्या, क्या क्या का कहते हैं, क्या क्या से मतलब क्या है और क्या। बच्चों को खाने में क्या क्या अच्छा लगता है, यानी कि क्या क्या चीज़, कौन सी चीज़ें। जब सिर्फ एक चीज़ हम पूछ रहे हैं बच्चे को क्या अच्छा लगता है, इसका मतलब किसी एक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक चीज़ क्या अच्छी लगती है। और जब हम कह रहे हैं क्या क्या अच्छा लगता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं हम कि और क्या अच्छा लगता है। ऐसे ही इसके और सेंटेंस बना सकते हैं, तुम्हें क्या क्या काम आता है। हम पूछते हैं अगर किसी से कि तुम्हें क्या क्या काम आता है, या तुम्हें क्या क्या चाहिए। किसी चीज़, कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो हम आपको मटेरियल चाहिए उसके लिए, तो पूछा जा सकता है ना कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, या आपको क्या क्या और चाहिए। तो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल क्या होता है, क्या क्या चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरे के आपको अर्थ बनाने हैं। तो चलिए एक एक करके मुहावरे लेते हैं और उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है भानुमती का पिटारा। भानुमती का पिटारा किसे कहते हैं, कभी ना खत्म होने वाला, यानी कि जिसमें बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हो, कभी ना खत्म होने वाला, किसे क्या कहते हैं, भानुमती का पिटारा। तो तुम्हारे दिमाग में तो हर समय भानुमती की पिटारे की तरह तरकीब आती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में तो हर समय मतलब तरह तरह की तरकीब आती रहती है, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होती हो। बहुत तरह की पिटारा है, उसमें बहुत तरह की तरकीब आती रहती है, तो क्या कहेंगे, हर समय भानुमती के पिटारे की तरह तरकीब आती रहती है। ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेस बनाइए इससे रिलेटेड। दस्तक देना, दस्तक देना यानी खटखटाना, दरवाजे पर कोई खटखटाता है तो क्या कहते हैं, दस्तक दे रहा है, किस्मत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। अब यहाँ पर कौन सा दरवाजा कहा जा रहा है, किस्मत का दरवाजा, तो ना किस्मत का दरवाज़ा है कि किस्मत के ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है, मेरी किस्मत मेरे दरवाजे पर आई है, यानी कि मेरी किस्मत खुल गई, कहते हैं ना मेरी किस्मत आज अच्छी है, खुल गई, कि आज मेरी किस्मत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। धावा बोलना यानी हमला करना, धावा बोलना, कहीं पर हमला कर दिया तो क्या कहेंगे, धावा बोलना। झांसी की रानी ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, झांसी की रानी ने
अंग्रेजों पर धावा बोल दिया यानी हमला कर दिया। इसके अलावा वैसे भी कह सकते हैं आप, कभी होता है ना बहुत सारे मच्छर आ गए तो आज मच्छरों ने मेरे घर पर धावा बोल दिया, या आज मेहमानों ने मेरे घर पर धावा बोल दिया यानी बहुत सारे मेहमान आ गए, तो कहते हैं आज बहुत सारे मेहमान आ गए धावा बोल दिया। घर करना यानी समझ में आना, घर करना समझ में आना, तुम्हारी बात मेरे दिमाग पर घर कर गई, घर कर गई यानी मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई, मेरे अंदर उतर गई वो बात। तो घर करना समझ में आना, तुम्हारी बात मेरे दिमाग पर घर कर गई। पीठ ठोकना शाबाशी देना, पीठ किसी की ठोकते हैं तो हम क्या कहते हैं, शाबाशी देते हैं। अगर किसी को किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उस पर उसको शाबाशी देने के लिए क्या किया जाता है, उसकी पीठ ठोकी जाती है। तो चोर को पकड़ने पर पुलिस ने राघव की पीठ ठोकी, क्योंकि चोर को पकड़ने पर पुलिस ने, राघव ने चोर को पकड़ा इसलिए पुलिस ने राघव की क्या की, पीठ ठोकी यानी उसे शाबाशी दी। ऐसे ही कभी आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आपके टीचर या पेरेंट्स आपको शाबाशी देते हैं, तो कहते ना मेरी पीठ ठोकी, पीठ ठोकी यानी शाबाशी दी कि अच्छा काम किया। या स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करते हैं, किसी भी फील्ड में अगर जब कभी भी आप लोग कुछ अच्छा करते हैं तो आपके बड़े लोग पेरेंट्स टीचर्स आपको शाबाशी देते हैं, तो शाबाशी देना पीठ ठोकना चोर को, इस ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, तो ये जितने भी वर्ड्स और मुहावरे बताए हैं इन सभी को आपको कॉपी पर करना है, और कोशिश करिए कि अपनी ओर से सेंटेंस बनाइए। मैं मोस्टली देखती हूँ आप लोग सिर्फ जो मैं ये इसमें दिखाती हूँ वही आंसर्स उतार लेते हैं, अपनी ओर से कोशिश करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, बाय बाय।